नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन ये प्रॉब्लम भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़। माइग्रेन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है ये माइग्रेन का दर्द? कुछ लोग इसे सामान्य सिर दर्द समझ के इग्नोर करते रहते हैं, पर अगर समय रहते इसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा तो ये बहुत दिक्कत दे सकता है। जब माइग्रेन का दर्द उठता है तो सिर के आधे हिस्से में तकरीबन दर्द रहता है। तो ये भी पूरा 100% नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ आधे सर में ही दर्द होगा। हर व्यक्ति के अंदर इसके सिम्टम्स कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, पता कैसे चलेगा हमें कि माइग्रेन है या माइग्रेन होना स्टार्ट हो रहा है? इसके पीछे कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बता सकते हैं? अगर वो सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो उसको इतना इग्नोर मत करिए। अगर वो सिम्टम्स के साथ साथ सर दर्द रहता है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, उनकी सलाह लें और साथ में योग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं शरीर में। जिनको कॉन्स्टिपेशन तकरीबन बना रहता है, ज़्यादा टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या रहती है, वो इसका पहला सिम्टम है। श्योर नहीं कि 100% अगर कब्ज है तो माइग्रेन होगा ही होगा। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं अगर कब्ज के साथ साथ सर दर्द रहता है। इसके अलावा देखिए, कब्ज के साथ सर दर्द का क्या रिलेशन है, क्योंकि पेट का पूरा कनेक्शन हमारे सर के साथ रहता है। पेट में गैस होगा तो भी सर दर्द रहेगा, अगर हम तनाव रखेंगे तो पेट में गड़बड़ रहेगी। तो इनका आपस में कंप्लीट एक पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गर्दन में भारीपन रहना, जकड़न बनी रहना, इस हिस्से में हमेशा एक तनाव रहना, सोते हैं तब भी रिलैक्स अच्छा, मतलब लेट के भी अच्छा नहीं लगता, एक भारीपन बना रहता है, बैठे हैं तब भी भारीपन बना रहता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा भूख लगना। हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं, ये एक कुदरत का नियम बनाया है, सुबह करना है, दोपहर को करना है और रात को करना है। 3 बार अच्छे से भोजन करने के बाद भी अगर बार बार भूख लगती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। ये हो गया। और इसके अलावा बार बार योनिंग, उबासी का आना, बार बार इस चीज़ का होना भी कहीं ना कहीं इसके पीछे सिम्टम है कि हो सकता है कि माइग्रेन की शुरुआत हो रही हो। तो ऐसे लक्षण के साथ साथ अगर सर दर्द रहता है, ये 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये सर दर्द बना रह सकता है। और ये इतना तीव्र गति से होता है, इतना तेज़ होता है कि बर्दाश्त भी नहीं होता। तो ये माइग्रेन के कुछ लक्षण हैं। अब बात करते हैं ये होता क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे। कारण, सबसे पहला कारण तो तनाव। तनाव ही आजकल कहीं ना कहीं सब बीमारियों के पीछे कारण बन चुका है, तनाव लेना। बहुत सारे हमारे पास घर में ऐसे इश्यूज होते हैं या ऑफिस में होते हैं, हमारी लाइफ में पर्सनली ऑफिशियली बहुत सारे कारण हैं जो हमें शायद तनाव लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। पर हमें खुद को सही रखना है। अगर हम तनाव लेंगे तो तनाव सिर्फ एक बीमारी को साथ नहीं लेके आता है, बहुत सारी बीमारियों का झुंड इकट्ठा कर देता है शरीर में। उसके अलावा सोने का सही समय ना होना और उठने का सही समय ना होना, रात को लेट सोना और सुबह तक दिन सूरज के निकलने तक सोते रहना, ये कहीं ना कहीं कारण है माइग्रेन के पीछे। गलत चीज़ों का सेवन करना, जिनको माइग्रेन की दिक्कत रहती है उन्हें चॉकलेट, कॉफ़ी जैसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो शरीर में और उत्तेजकता को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। शराब का सेवन, स्मोकिंग, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। यही कारण है जो लोग ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, उन्हें भी ये माइग्रेन का इशू हो सकता है। और क्या चीज़ें हैं,
पानी कम पीना, अपना ध्यान न रखना, कोई एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी को कुछ भी हम हिलाते नहीं हैं, बैठे रहना है या सोते रहना है या लेटे रहना है, तो ये सारी चीज़ें हैं माइग्रेन के पीछे। आज आसन में सिर्फ एक बताऊंगी आपको, और बहुत सिंपल आसन है, हर कोई बड़े आराम से उस आसन की प्रैक्टिस कर सकता है। उस आसन का नाम है शशांक आसन, जिसे चाइल्ड पोज बोल दिया जाता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जिस पोज में, मैक्सिमम छोटे बच्चे उसी पोज में सोते हैं, वो आपको करना है। किनको थोड़ा अवॉइड करना है, अगर नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उनको थोड़ा ये आसन अवॉइड करना है, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल आसन है, आप बड़े आराम से इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कम से कम 5 मिनट तक आप इस आसन में रहिए अगर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है। इस आसन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कुछ माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं, वो आपको बताऊंगी मैं, और उसके साथ साथ 2 प्राणायाम हैं वो भी बताऊंगी। तो जिनको माइग्रेन का दिक्कत रहता है, जिनको प्रॉब्लम रहती है, वो इसको कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। चलिए पहले हम करते हैं शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं वज्रासन में। मैं साइड से करके दिखाऊंगी आपको अच्छे से। देखिए, जब वज्रासन करना है तो आपके जो बिग टोज हैं, पैरों का अंगूठा, वो मिला रहेगा, जो एड़ियां रहेंगी उनमें गैप रहेगा, और जो एड़ियों में गैप है उसी में अपनी सिट बोन्स को, हिप बोन्स को प्लेस करना है एड़ी के बीच में, इस तरह से। ये हो गया वज्रासन। शशांक आसन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे नीज आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और दूसरी तरह से नीज को ओपन करके भी कर सकते हैं। पहले हम इस तरह करके दिखाऊंगी मैं आपको, फिर आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगी। इस तरह आप बैठ गए, अब यहाँ क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करिए एकदम से। हो सके तो यहाँ पे 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, एकदम माइंड को स्टेबल करते हुए। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, एक्सहेल। अब धीरे से हमें यहाँ पे गहरी श्वास लेनी है, और श्वास को छोड़ते छोड़ते अपनी बॉडी को हमें आगे की तरफ झुकाना है। जब हमें आगे की तरफ झुकना है तो अपने आप को इस तरह से, अपनी कमर को इस तरह से नहीं झुकाएंगे, कंधों को आगे की तरफ ऐसे नहीं झुकाएंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी। आपको अपने कमर के नीचे वाले हिस्से से धीरे धीरे आगे झुकना है। ऐसे करिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, एकदम कमर को सीधा करिए, फिर धीरे धीरे देखिए चेस्ट को ओपन करते हुए, चेस्ट को आउट किया, ओपन किया पूरा, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इस तरह से। अगर साथ साथ आना कंफर्टेबल नहीं है बाजू और सर, तो क्या कर सकते हैं, पहले अपने हाथों को इस तरह ज़मीन पर ले आइए, इस तरह से, अगर आपको एक साथ आना कंफर्टेबल नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर फिर गहरा श्वास लें, और पूरा श्वास को छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे, इस तरह से। अगर आपको अपना फोरहेड, अपना माथा नीचे लगाने में दिक्कत रहती है, आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप थोड़ी देर इतना प्रैक्टिस करिए, या फिर यहाँ पे आप अपना पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने अपने फेस के यहाँ पे अपना पिलो रखिए, वो पिलो से आपको सर थोड़ा नीचे रखने में सपोर्ट मिल जाएगा। जो लोग नीचे पूरा करने में, जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो यहाँ पे पिलो को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुशन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ करिए अपने सिर को सपोर्ट देने के लिए। अदरवाइज़ जो कंफर्टेबल है वो पूरा इस तरह से अपने फोरहेड को नीचे लगाएंगे, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, एकदम रिलैक्स रखना है, बाजू एकदम रिलैक्स रखनी है, ऐसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं है बाजू को, एकदम रिलैक्स रखिए। कंफर्टेबल होकर इस आसन में हम रुकेंगे। इस आसन में हो सके तो डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इस आसन को हम कम से कम 5 मिनट तक बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है हेड की तरफ जाएगा, तो माइग्रेन के दर्द में जब ब्लड का फ्लो अच्छे से उसकी तरफ जाएगा तो वो दर्द कम होगा। उसके साथ साथ ये आसन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है आपके बालों के लिए, मेमोरी के लिए, क्योंकि
सारा ब्लड का फ्लो सिर की तरफ है, तो सिर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसी तरह बने रहिए इस आसन में। अगर स्टार्टिंग में 5 मिनट तक नहीं होता है कोई बात नहीं, 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक करें। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे झुकते हुए नहीं उठेंगे, ऐसे पहले अपनी कमर नहीं उठाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस को अप करना है। फेस को अप किया और फिर चेस्ट को अप किया और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरा अपने आप को सीधा करना है। कमर के निचले हिस्से से ही हम आगे झुके थे तो एकदम सीधा होते हुए ही हमें वापस आना है। तो ये था इसकी पहली वेरिएशन। अगर किसी को लगता है कि आपकी नीज, आपकी थाइज पेट के साथ दिक्कत देते हैं आगे झुकने में, तो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, इस तरह से अपने नीज के बीच में गैप ले आइए। इस तरह नीज के बीच में गैप आ गया, अब आप इजीली आगे झुक पाएंगे। दोनों तरीके से इस आसन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, गहरी श्वास लेनी है दोनों हाथ ऊपर और गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरह आगे की तरफ आते रहिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक साथ आना मुश्किल है, हाथ पहले रख लो और फिर धीरे धीरे और एक्सेल एंड रिलैक्स। इस तरह आपकी चेस्ट जो है वो भी ज़मीन के साथ टच हो रही है। यहाँ पे चिन लगा लो इस आसन में या फिर अपना फोरहेड लगा लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। बाजू एकदम रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। फिर से इस आसन में डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है ये, आपके बैक को भी रिलैक्स करता है, रीढ़ की हड्डी को बहुत आराम मिलता है इस पोज में। और फिर जब वापस आना है, पहले फेस को अप करना है, फिर चेस्ट को अप करना है और धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए सांस को लेते हुए वापस आना है। धीरे से वज्रासन को रिलीज कर दें और आराम से बैठें। तो ये एक आसन ही बहुत मदद कर सकता है आपकी, और भी बहुत सारे आसन हैं माइग्रेन के लिए, बट मैंने अभी आपको सिर्फ एक आसन एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ हमें और क्या करना है अब वो मैं आपको बताऊंगी। आपको अपने राइट हैंड का हथेली है जो अपने पाम को इस तरह से अपने सिर के सेंटर में रखना है, अपने इस हिस्से को, अपनी ये वाली हथेली को जो इस हिस्से को अपने सिर के सेंटर में इस तरह से रखेंगे। इसके साथ वहाँ पे पूरा दबाव बना के रखना है, एक प्रेशर देना है, इस तरह से उसको प्रेस करना है। इस तरह रखा, उसको अच्छे से प्रेस कर दो। प्रेस करने के बाद हमें अपनी हथेली को सीधा एक घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ऐसे इसको पूरा धीरे धीरे हम उसको रोटेट करेंगे, पूरा दबाते हुए, दबाव बनाते हुए उसको पूरा धीरे धीरे इस तरह से उस हिस्से को हम रोटेट करेंगे अपनी हथेली के साथ। और इस चीज़ को कोशिश करिएगा आंखें बंद करके करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्सिंग लगेगा और आपके दर्द में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस तरह से आंखें बंद करें, इस तरह हाथ रखते हुए सेंटर में अच्छे से दबाएं पहले उसको और फिर धीरे धीरे इस तरह घुमाना शुरू करें। पंद्रह से 20 बार कमर गर्दन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दबाव बनाए रखना है और एक जो रिलैक्सेशन आता है बॉडी के अंदर उसको फील करना है, एक आराम जो मिलता है उसको महसूस करना है। और फिर अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 15 से 20 बार सीधा, 15 से 20 बार उल्टा, आंखें बंद रखते हुए इस तरह से। और उसके बाद अपने हाथ को नीचे की तरफ ले आइए, थोड़ी देर आंखें बंद रखें, एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए पेट को भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली कर दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
जो दूसरा मैं बताऊंगी उसको भी आपको आंखें बंद करके ही करना है। इस तरह अपने हाथों की उंगलियां जो हैं अपने फोरहेड के साइड पे, इस जगह पे आपको अपनी उंगलियों को प्लेस करना है। ऐसे उंगलियां रखी, अब यहाँ से उंगलियों के साथ थोड़ा सा दबाव देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा कस के इसको नहीं दबाना है, थोड़ा सा दबाव देते हुए अपनी उंगलियों को भी हम ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। आंखें बंद करते हुए बड़े आराम से, तेज तेज नहीं, हल्का सा दबाव देते हुए इसको भी 15 से 20 बार घुमाइए अच्छे से। अभी उल्टी दिशा में रिवर्स करेंगे। अब इसको हमेशा आंखें बंद करके करिएगा। और फिर 15 से 20 बार उल्टी दिशा में घुमाने के बाद धीरे से हम रुक जाएंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपना हाथ का अंगूठा और पहली उंगली पॉइंट ऑफ फिंगर, ये फर्स्ट वाली उंगली जो है पॉइंट ऑफ फिंगर, और अपने थंब को इस तरह से मिलाते हुए अपने आईब्रोज को स्टार्टिंग से एंड तक हमें अच्छे से दबाते रहना है। इस तरह अपनी उंगलियों की मदद से यहाँ से दबाना शुरू करेंगे। इतनी ज़ोर से भी नहीं दबाना और बिल्कुल धीरे भी नहीं, एक नॉर्मल सा दबाव देते हुए, सामान्य सा इस तरह दबाते हुए पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे इसको। इसमें भी आंखें बंद रखें, इसको भी बड़े आराम से आप 15 से 20 बार करें। इस तरह से, और फिर धीरे से जो 15 से 20 बार कर लेंगे फिर बड़े आराम से वापस आइए। फिर गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ दें। तो ये एक आसन और तीन आपको क्रियाएं बताई जो आपको रिलैक्स करेंगी। अब हम बात करेंगे प्राणायाम, आपको कौन कौन सा करना है। पहला प्राणायाम आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम सिर्फ सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कुंभक नहीं लगाते, कुंभक अर्थात सांस को नहीं रोकते। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 मिनट, कोशिश करिए 10 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको भ्रामरी का उच्चारण करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम अपना। इस तरह चिन मुद्रा अपने लेफ्ट हैंड के इस तरह से करते हुए दूसरे हाथ का अपना नासाग्रह मुद्रा जो प्राणायाम के लिए हम लेते हैं उसको, इसमें हम अपनी दोनों हाथ, अपने हाथ की दो उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हुए अपने थंब को राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे पहले, फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ, कंटिन्यू आंखें बंद रखते हुए।
रिलैक्स। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 से 5 बार करके दिखाया, आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है। बिना सांस को रोके अपनी सांसों पे पूरा ध्यान टिकाते हुए, आंखें बंद रखते हुए। देखिए, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जब भी आप उसकी बाद में प्रैक्टिस करें, आंखें अपनी बंद कर लें, बीच में आंखें नहीं खोलें उसके बाद। अभी तो आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे आंखें खोलनी पड़ती हैं और आपको भी देखना है तो खोलनी पड़ती हैं। उसके बाद जब आपको इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, आंखें बंद वहाँ से शुरू करिए। चाहे तो शीशांक आसन से ही आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, गिरने का डर नहीं है। तो एक ये पूरा जो क्रम है, इसको आंखें बंद करके करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अनुलोम विलोम कर लिया, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की गूंज की तरह। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनुलोम विलोम का वीडियो, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा और भ्रामरी का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ताकि अगर आपको अच्छे से उन चीज़ों को समझना है तो आप उन वीडियो को देख के अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। भ्रामरी के लिए क्या करना है, अपने थंब के साथ अपने कानों को बंद करना है, कान के अंदर नहीं डालना है अंगूठा, बाहर की तरफ से उसको बंद करते हुए पहली 2 उंगली अपनी आँखों पर रखते हैं, आंखें बंद, तीसरी उंगली नाक के नीचे रखनी है यहाँ पर, चौथी उंगली आपको चिन के ऊपर रखनी है। ये मुद्रा आपको लेते हुए उसके बाद आपको एक लंबा गहरा श्वास भरना है और एक्सहेल करते हुए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसे आप 5 से 11 बार बड़े आराम से करिए। अगर आपको लगता है कि बाजू ऐसे हमें कंफर्टेबल नहीं है, आप थक जाते हैं, तो आप थोड़ी देर इस तरह बाजू को नीचे लाइए, रिलैक्स करिए और इस पोजीशन में भी आप भ्रामरी का उच्चारण कर सकते हैं अगर आपको ऐसे करने में कंफर्टेबल नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पोजीशन लेंगे अच्छे से, गहरा श्वास, धीरे से वापस आंखें बंद। भ्रामरी को करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद रखी और जो गूंज आपने पैदा करी थी, उस गूंज को अभी भी अपने भीतर सुनने की कोशिश करें। जो वाइब्रेशंस आपके आसपास आई हैं उन्हें फील करें बंद आंखें रखते हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें। उस एनर्जी को, उन वाइब्रेशंस को अच्छे से अपने फेस पे लगाएं, अपनी हथेलियों को अपने भीतर लेके जाएं, उन वाइब्रेशंस को, एक पॉजिटिविटी को, और अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। तो ये जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ आंखें बंद करके आप करके देखिएगा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो ये वीडियो माइग्रेन के ऊपर, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको लगता है किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर दें इसको आगे। अगर मेरे चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आपका धन्यवाद।